बताएं तरुण, क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर बजट को लेकर? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि सर, इनविट्स और रिट्स को लेकर बड़े ऐलान इस बजट में हो सकते हैं। इनविट्स एक बड़ा एवेन्यू है इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वहां पर सरकार एक रिलैक्सेशन देने का विचार कर रही है। हाल में जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि आप यदि इनविट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 3 साल तक का वेट करना पड़ता है कैपिटल गेन टैक्स की एग्जम्पशन के लिए। इसको घटाकर जिस तरीके से सिक्योरिटीज में 12 महीने का वक्त होता है इनकम टैक्स कैपिटल गेन टैक्स रिबेट के लिए, उसको लेकर आने का विचार है 36 महीने से 12 महीने। दूसरा, एक यदि आप किसी आप कोई लैंड या बिल्डिंग बेचते हैं उसमें यदि आपका कैपिटल गेन टैक्स आता है, यदि उसको आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं गवर्नमेंट डेटेड बॉन्ड, तो उसमें आपको कैपिटल गेन टैक्स का एग्जम्पशन मिल जाता है सेक्शन 54EC में। तो इसकी लिस्ट में इनविट्स को इंक्लूड करने पर भी सरकार विचार कर रही है, तो क्योंकि इनविट्स में NHAI पावर ग्रिड जैसे कंपनीज हैं जो अपना इनविट्स लेकर आई हैं और उसमें गवर्नमेंट का भी इन्वेस्टमेंट है और आपको एक टैक्स एग्जम्पशन यहाँ पे मिल सकता है और एक अट्रैक्टिव एवेन्यू हो सकता है एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए भी। तीसरा, ये जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि हेल्थ के लिए भी रिट्स को लाया जा सकता है। हाल में जो रिट्स हैं वो सिर्फ कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए हैं, इसका स्कोप बढ़ाकर हेल्थ के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको भी रिट्स के अंदर इनकी एंट्री कराई जा सकती है। तो ये तीन जो चीज़ें हैं वो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं, ये तीन चीज़ें इस बजट में हो सकती है और इसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी और जो उनके बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ विचार कर रही है। ये है आपके लिए, इन्वेस्ट को लेकर बजट में बड़े ऐलान हो सकते हैं और टैक्स बूस्टर आ सकता है ताकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 3 साल के इन्वेस्टमेंट पर हो उसे घटाकर 1 साल कर दिया जाए, इस पर विचार हो सकता है। आमतौर पर इक्विटी में यही रूल है, 1 साल से ज्यादा अगर आप शेयर रखते हैं तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो जाता है। इनविट्स को बजाय डेट के शायद इक्विटी की तरह टैक्स लगाने पर कैपिटल गेन टैक्स पर विचार हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो वाकई में इनविट्स के लिए बड़ी राहत वाली बात होगी। यह आपके लिए बड़ी खबर तरुण की तरफ से आती है।